नियर ऑटोमेटा एक मास्टरपीस है। पहले तो अगर आप भी मेरी तरह हो तो आप भी इस गेम को नहीं खेलने वाले हो। आपने कवर इमेज देखी और ये लगा कि ये कोई वियर्ड जैपनीज हैक एंड स्लैश है जिसमें कोई किंकी मेड डोमिनेटरिक्स मेन कैरेक्टर है, तो बोलोगे ना भाई ना, रहने दो। कुछ बुलेट हिल सीक्वेंस और 8-bit स्टफ्स देखे होंगे ट्रेलर में और फिर सोचा होगा कि हमें नहीं खेलना ये। मैं समझता हूँ इसको, मैं भी पहले यही सोचा था, पर अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये गेम बहुत अच्छी है और एक बार तो खेलना बनता है। वैसे इसमें 26 मल्टीपल एंडिंग्स है, 4-5 मेन एंडिंग्स है जिसके लिए 3 प्ले थ्रू लगेंगे। इसको इतना सोच विचार कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, कहा था मैं, हाँ, इसको इतना ध्यान में रखकर बनाया गया है कि मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ गलत ना बोल दूं। ये एक वर्क ऑफ आर्ट है। वैसे तो सभी गेम्स होते हैं बट ये मेरी लिस्ट में टॉप पर है। इसमें फिलोसफिकल थीम्स को इसके कैरेक्टर्स में इस तरह से डाला गया है कि वो पूछते हैं, समझते हैं और आंसर देते हैं फंडामेंटल क्वेश्चंस के ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर। और ये सब किया गया है यूजिंग हॉट एंड्रॉइड स्केलिंग क्यूट लिटिल रोबोट्स इन ग्रेटेस्ट वीडियो गेम ऑफ ऑल टाइम। मेरे लिए नियर के बारे में अपने ओपिनियंस बताना थोड़ा मुश्किल है। जब मैंने पहली बार इसको कंप्लीट किया और एंडिंग ई को सारी स्टोरी को जोड़ते हुए देखा तो आई वाज लाइक कि ऐसी स्टोरी कोई और क्यों नहीं बनाता। ये एक ऐसा मोमेंट था जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहले प्ले थ्रू से ये समझ आ गया था कि ये गेम यूनिक है। स्टार्टिंग से ही ये हमें अलग सा कॉन्फिडेंस देता है। We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse or some kind of punishment? I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. ये कोई ऑटोमेटा का यूट्यूब वीडियो नहीं होता बिना इस ओपनिंग के। क्यूबी का ये डायलॉग एक तरह से स्टेज सेट करता है गेम के लिए और साथ ही आइडियाज भी देता है जो कि फर्स्ट टाइम खेलने वाले अलग तरह से समझते हैं और पूरी स्टोरी को एक्सपीरियंस करके सुनने वाले अलग। हाई लेवल पर इसको देखें तो नियर ऑटोमेटा एक सबसे अच्छा गेम है ये बताने के लिए कि वीडियो गेम सबसे पर्सनल स्टोरी टेलिंग का मीडियम होते हैं। ऑफकोर्स अपनी दादी नानी की स्टोरी इनसे ऊपर आती है। नियर इज नॉट जस्ट अ गेम, मतलब ये एक वीडियो गेम ही है, क्योंकि वीडियो गेम एज ए मीडियम में इतना पोटेंशियल होता है जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। बट ऑटोमेटा एक गेम के अलावा कुछ और बनने का दिखावा नहीं करता। इसको पता है कि ये एक मीडियम है और ये डिफाइन करता है कि वीडियो गेम का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है। इन बहुत सारे स्टोरी मीडिया जैसे बुक्स, मूवीज, शोज और म्यूजिक, गेम्स में एक अलग यूनिकनेस होती है जो है इंटरएक्टिविटी। बहुत सारे गेम्स ने नियर के पहले प्लेयर इंटरएक्टिविटी का अच्छा यूज किया है, बट ऑटोमेटा ने इसको इस तरह से यूज किया है कि कोई कैजुअल गेमर को भी लगे कि गेम इंटरएक्टिविटी में स्काई लिमिट नहीं है, ह्यूमन क्रिएटिविटी है। इंटरएक्टिविटी हमको इस स्टोरी में डालती है। आपने कंट्रोलर होल्ड किया हुआ है, आप जानते हैं कि आप इस गेम में नहीं है, ये भी जानते हैं कि ये रियल नहीं है, बट आपके एक्शंस रियल है। गेम्स ज्यादातर वायलेंट होते हैं और आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं मारने का, पर इसका कोई मतलब होता है क्या? एक नॉर्मल शूटर में प्लेयर की चॉइस को नजरअंदाज किया जाता है और करना भी चाहिए। कोई पॉइंट नहीं बनता प्लेयर के एथिक्स को चैलेंज करने का। उस गेम में जो डिजाइन ही हो ऐसे प्लेयर्स को अपील करने के लिए जो कि कवर में दिख रहे जैसा बनना चाहते हो, बट व्हाट इफ इट डज मैटर, ये तो वो सोचने वाली बात है। इसके ऊपर डिस्कस कभी बाद में किया जाएगा। ज्यादातर इसमें आप टूबी को कंट्रोल करते हैं, रोबोट्स को स्टोरी में रखकर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पर चलते हैं। इमीडिएटली क्वेश्चन आता है टूबी की ऑटोनॉमी के बारे में, क्या हम इसको एक थर्ड पार्टी की तरह कंट्रोल कर रहे हैं जैसा कि लोग दूसरे रोबोट्स को करते हैं, क्या हम उसके लिए या उसके साथ डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन आते हैं। टूबी को सेक्सुअलाइज किया गया है और उसका आउटपुट भी रिवेलिंग है, तो इसकी वजह से गेम कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखता है आपसे। अगर आप कैमरा को मूव करके उसके स्कर्ट के पास जाए तो वो कैमरे को हटा देती है बताने के लिए कि उसकी भी कुछ फ्री विल है, तो वो कंट्रोल भी है और साथ ही इंटरनली और एक्सटर्नली अवेयर भी है। गेम में ऐसा बहुत होता है। ओपनिंग में ही बता दिया जाता है कि जो भी यूआई मेन्यूज हैं एंड्रॉइड के कंपोनेंट हैं और उस पर आपका और उनका दोनों का कंट्रोल है। फोर्थ वॉल बहुत बार ब्रेक होती है जिसकी वजह से प्लेयर को लगता है कि वो भी स्टोरी का कैरेक्टर है। ऑप्शनल यूआई चिप्स बताती है कि क्यों आपको मिनी मैप और हेल्थ बार दिख रही है। सेव को रीलोड करने का मतलब है आप एंड्रॉइड के ओल्डर सेल्फ को रिस्टोर कर रहे हो। अब वो पार्ट आता है जहाँ मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नियर ऑटोमेटा की पूरी स्टोरी पता है, अगर नहीं तो प्लीज एक बार खेल लीजिए, काफी अच्छा गेम है। नियर ऑटोमेटा बहुत सारे जॉनर्स का गेम प्ले अच्छी तरह से मिक्स करता है। कभी ये प्लेटफॉर्मर, बुलेट हेल, विजुअल नोवेल, ओपन वर्ल्ड एडवेंचर, पजलर, आरपीजी, शूटर, फाइटर, बट मेनली हैक एंड स्लैश है। सच में हैक एंड स्लैश, 9S हैक्स एंड 2B स्लैशेस। ये बार बार जॉनर सच यूजफुल है गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बिकॉज इसमें मल्टीपल प्ले थ्रू है। मशीन को 2B डीह्यूमनाइज करती है और फिर 9S उनको रीह्यूमनाइज करता है उसके ही पर्सपेक्टिव में जो कि हिडन होता है फर्स्ट प्ले थ्रू में, तो आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल प्ले थ्रू होंगे। राउट बी में राउट ए के फाउंडेशन और आइडियाज के ऊपर प्लेयर को फोर्स किया जाता है इमोशनल कैरेक्टर के साथ अटैच होने के लिए, उसी टाइम जब रोबोट्स को इमोशंस दिए जा रहे होते हैं। टू बी के
परस्पेक्टिव में वेल मे बी नॉट ऑल मशीन्स मिरर्ड है बिकॉज प्लेयर एक्सपीरियंस कर सकते हैं 2B के साथ जब उसके थॉट्स में भी इवोल्यूशन होता है। इन्फॉर्मेशन को इस तरह से रोका गया है कि ये सेंस बनता है कि 9S की हैकिंग के थ्रू रिवेल हो जिससे उस सीन को एक न्यू मीनिंग मिले 9S के सेगमेंट में जो कि 2B के सेगमेंट में नहीं मिला था। रिकंटेक्स्ट और ह्यूमनाइजेशन ऑफ मशीन ये अकेली चीज नहीं है जिसका नियर यूज करता है रिपीटेशन के लिए। नियर ऑटोमेटा होता ही इसलिए बिकॉज प्लेयर उससे एंगेज करता है। साइकिल के ब्रेक होने के बाद भी गेम्स को फिर से खेला जा सकता है और खेलना भी चाहिए। हर एक प्ले थ्रू को एक तरह से 2B और 9S की लाइफ का डिफरेंट लूप बोल सकते हैं। इसके अलावा भी 9S की ओपनिंग लाइन का एक सरफेस मीनिंग भी है फर्स्ट प्ले थ्रू में और सेकंड प्ले थ्रू में भी लगभग सेम ही रहता है वो। पर थर्ड टाइम जब हम खेलते हैं एंडिंग ई को देखने के बाद 9S सीधे 2B को छोड़कर हमारी तरफ देखता है और मुझे लगता है कि वो अपने बारे में बात कर रहा है। नियर ऑटोमेटा एक माइंड ब्लोइंग गेम है, ये कुछ तो है वेरी स्पेशल। मैं तो साउंड ट्रैक पर आया ही नहीं, जो मेरे हिसाब से बेस्ट साउंड ट्रैक है जो किसी भी गेम में डाला गया है अभी तक। हाँ, मैं इसमें शायद गलत हो सकता हूँ, ओपिनियंस सबकी अलग अलग होती हैं। कभी ना कभी कोई गेम आएगा जो इसको सरपास कर दे, कुछ साल लग सकते हैं या कई साल या कभी आया ही नहीं। पर अभी के लिए अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा मोस्ट फेवरेट गेम कौन सा है तो मेरा आंसर यही गेम रहेगा। ऐसा रहेगा कि अब मैं आपसे पूछूं लाइक बटन दबाने के लिए, और अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की हो तो सब्सक्राइब भी करें। अब एंड तक आ ही गए हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने थॉट्स को कमेंट्स में बताइए।